पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जनता दरबार के दौरान सुर्खियों में आई शिक्षिका उत्तरा पंत बहुगुणा ने उत्तराखंड क्रांति दल का दामन थाम लिया। आज पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने उत्तरा पंत बहुगुणा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने कुनबे को बढ़ाने की जुगत में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज यूकेडी ने उत्तरा पंत बहुगुणा शामिल हुई। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जनता दरबार के दौरान उत्तरा पंत बहुगुणा और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच कहा सुनी हुई थी। उसके बाद उत्तरा पंत बहुगुणा सुर्खियों में आई थी। काशी सिंह ऐरी ने कहा कि पार्टी में शामिल उत्तरा पंत बहुगुणा जिस दायित्व का निर्वहन करना चाहेंगी पार्टी उन्हें वह जिम्मेदारी सौंपेगी। वहीं उत्तरा पंत बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल उनका परिवार है और वह सभी जिम्मेदारियां निभा सकती हैं। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगी। देखिए प्लान में इतना है कि उत्तरा बहन जी हमारे दल में सम्मिलित हुई हैं, ये खुशी की बात है और उनकी इच्छानुसार उनकी सहमति से जो भी भूमिका वो लेना चाहेंगी, जो भी भूमिका निभाना चाहेंगी उत्तराखंड के हित में, इस प्रदेश के गौरव को बढ़ाने के लिए, तो उसको वो उनको वो दायित्व तो दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, बात ही नहीं है। और ऐसे ही महिला के लिए तो किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उत्तरा बहन को ही तय करना है, उसके आधार पर दल अपनी नीति अपना निर्णय लेगा। है कि उत्तरा पंत बहुगुणा केवल नाम नहीं है बल्कि ये उत्तराखंड की महिला शक्ति और यहाँ के शिक्षक समाज की प्रतिनिधि भी हैं और उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल को में सम्मिलित होने का फैसला किया है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की और गौरव की बात है। रहा सवाल आपके ये प्रश्न का कि क्या दायित्व देंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे, ये हमारी पार्टी तय करेगी। उत्तरा बहन जी से पूछ के उनको किस तरह की भूमिका और किस तरह का कार्य करना है उसको देखिए, शीघ्र ही हम इसका निर्णय करेंगे, वो सब आपके सामने आएगा। देखिए हमारे उम्मीदवार हैं, एक योग्य प्रत्याशी हैं, आप बहुमत रूप से इनको जिताइए, मतलब वोट हो तो वो है। आपका अपमान हुआ है उसको बदला ले सकती हैं आप? नहीं नहीं, बदला लेने की मेरी आदत नहीं है, बदला मैंने उसी समय ले लिया था, इसलिए मैंने आगे बात भी नहीं बढ़ाई। तो अभी हमारा ध्येय है कि शिव भाई वहाँ है तो उनको विजय मिले, इनको भी फिर से देख लीजिएगा। मैंने उसमें लिख कहा है कि समय के गर्व में क्या छिपा है मैं ये मैं नहीं जानती हूँ, वैसे मेरा राजनीति में जाने का कोई विचार नहीं है, तो समय के गर्व में यही लिखा था तो मैं यहाँ आ गई। गाँव का कोई विचार नहीं है और आपको मैं ये इस बात से अवगत कर दूँ कि आज मैं पहली बार सब लोगों से मिल रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ज्वाइन करनी है तो आज यहाँ पे ज्वाइन हुआ तो विचार नहीं। पार्टी अगर कहेगी तो मतलब ऐसा कुछ नहीं बता सकते, अभी चुनाव का है नहीं। अगर पार्टी आदेश देगी तब तो अनुशासन में रहते पार्टी का पालन करना पड़ेगा, आज्ञा का पालन। फिलहाल तो मुझे पहले मैं तो सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, सबका अभिनंदन आप लोगों का भी, और बचपन से ही हम उत्तराखंड के हैं तो हर किसान हर संघर्षशील समाज के साथ रहे हैं, तो उत्तराखंड वही पार्टी है जिसमें सब संघर्षशील लोग हैं। तो मैंने यही विचार मन में आए, विचार क्या मेरी इच्छा थी, दृढ़ इच्छा कि मैं यूकेडी अगर कभी भविष्य में जाना पड़े तो मैं यूकेडी में जाऊंगी, वो हमारे परिवार है, एक परिवार है। और अन्यथा अभी पलायन पलायन की बात होती है, अन्य दलों में जाना तो एक पलायन करना था तो अपने ही घर में आना उचित है हमारे लिए।